हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों के चैनल गेमिंग टैजिक ट्रिक्स में। आज की इस वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैंने MPL का एक 25 रुपीज़ एंट्री का पुल में एंटर करूंगा, और जिसमें थोड़ा दिमाग और थोड़ा लाक के साथ गेम जीत के दिखाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो यहाँ पे देख सकते हो फर्स्ट राउंड स्टार्ट हो चुकी है, और फर्स्ट राउंड में मुझे 2 जोकर मिल गए, लेकिन यहाँ पे मुझे फर्स्ट लाइफ नहीं मिला। लेकिन यहाँ पे इस राउंड को खेल लूँगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे थोड़ा बहुत रिक्स लेना चाहता हूँ। लेकिन अगर आप पूल रमी खेल रहे हो और आपको ऐसे कार मिल गया, तो आपको मैं सजेस्ट करूँगा आप ऐसी कार में डब कर दो, ऐसी कार में उस राउंड को मत खेलो। क्योंकि यहाँ पे अगर मैंने डिक्लेयर नहीं कर पाया और किसी ने डिक्लेयर कर दिया और यहाँ पे फर्स्ट लैप मुझे नहीं मिला, तो मेरा 70 के आसपास पॉइंट लॉस हो जाएगी, मतलब मेरा 70 पॉइंट इंक्रीज हो जाएगी, और मैंने इस गेम को उसके बाद जीत नहीं पाऊंगा, जीतने का पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो फर्स्ट टर्न में ही मुझे फर्स्ट लैप मिल गया। अगर आप जो पैसे से यहाँ पे गेम खेल रहे हो, अगर वो पैसा आपका लॉस हो गया, तो आपका कोई टेंशन नहीं होगा, तो आप इस टाइप का रिस्क ले सकते हो। लेकिन मैं हमेशा आपको कहूँगा इसी टाइप का कार्ड में आपको डब करना ही सही रहेगा। तो यहाँ पे देख सकते हो फिर से एक जोकर आ गया, और यहाँ पे क्यू को मैंने छोड़ दिया, और उसने क्यू को यहाँ पे ओपन डेक से ले लिया। उसके बाद उसने 7 छोड़ दिया, तो देखते इसने भी यहाँ पे ओपन डेक से कार ले लिया। तो क्या ही बोलूँ, यहाँ पे दोनों बंधा ही ओपन डेक से कार पिक कर रहा है। तो यहाँ पे अगर मैंने इसी टाइम डिक्लेयर भी कर दिया, तो यहाँ पे ज़्यादा पॉइंट उन लोगों का इंक्रीज नहीं कर पाऊँगा। तो देखते कितना ज़्यादा पॉइंट उन लोगों का इंक्रीज कर पाता हूँ। तो एक कार दे दो, एक कार अगर मिल गया, यहाँ पे मैंने डिक्लेयर कर सकता हूँ और उन लोगों का पॉइंट इंक्रीज कर सकता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हो मेरे जो राइट साइड में बंदा है, वो कितना ज़्यादा लेट कर रहा है। और उसके बाद यहाँ पे 7 आ गया, जो मेरा जरूरत का कार है, और उसको ले लिया। और उसके बाद 7 7 और एक जोकर देके एक सेट बना लिया, और उसके साथ साथ मैंने 3 को छोड़ के यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया। तो देखते उन लोगों का कितना पॉइंट यहाँ पे इंक्रीज कर पाता हूँ मैं। तो फिनिश कर दो, यहाँ पे बहुत ज़्यादा लेट कर रहे हैं इन लोगों ने, यहाँ पे फिनिश करो यार। और मेरा जो लेफ्ट साइड में बंदा है, उसने फिनिश कर दिया, और उसका 8 पॉइंट लॉस हुआ और इसका 15 पॉइंट लॉस हुआ। तो चलिए नेक्स्ट राउंड की तरफ देखते हैं, नेक्स्ट राउंड में मुझे कितना कार्ड मिलता है। और यहाँ पे देख सकते हो इन लोगों का कितना अच्छा कार्ड मिला था, और अगर मुझे डिक्लेयर करने में और 2-3 टर्न लग जाते, तो शायद उन लोगों ने भी यहाँ पे डिक्लेयर कर सकता था। लेकिन मैंने डिक्लेयर कर दिया, कोई बात नहीं। तो फिर से सेकेंड राउंड शुरू हो गया, देखते इस राउंड में कौन कौन खेलता है। लेकिन यहाँ पे जो कार मुझे मिला है, इस कार से तो मुझे कभी भी नहीं खेलना है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। वहाँ पे तो 2 जोकर था और सीक्वेंस बनाने का पॉसिबिलिटी था, लेकिन यहाँ पे तो सीक्वेंस बन नहीं सकता है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ही कार की ज़रूरत है जो कार से मैं सीक्वेंस बना सकता हूँ, वो है 3। बाकी यहाँ पे सीक्वेंस बनाने के लिए कोई आसपास का कार भी नहीं है। तो इस टाइप का कार पे आपको कभी भी नहीं खेलना है, रिक्स आपको इस टाइप का कार में कभी भी नहीं लेना है। तो आपको इस टाइप का कार में क्या करना है, सिंपली डब कर देना है। तो यहाँ पे मैंने डब कर दिया। तो बाकी यहाँ पे 3 प्लेयर खेल रहा है, तो देखते हैं इन 3 प्लेयर में से कौन प्लेयर डिक्लेयर कर पाता है, और बाकी 2 प्लेयर का कितना ज़्यादा पॉइंट इंक्रीज कर पाता है। तो यहाँ पे मैंने वीडियो का स्पीड थोड़ा बहुत इंक्रीज कर दिया, नहीं तो यहाँ पे वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाता। तो यहाँ पे आप यहाँ पे जो ऑप्शन दिख रहा है, इस ऑप्शन में टैप करके पिछले राउंड में किस बंदा को कैसा कार्ड मिला था, अब इस ऑप्शन से टैप करके आप यहाँ पे देख सकते हो कि पिछले राउंड में कौन बंदा को कैसा कार्ड मिला था। तो चलिए फिर से गेम की तरफ, तो यहाँ पे देखते किसने डिक्लेयर कर पाता। तो यहाँ पे थोड़ा वेट कर लेते, और इसी के साथ यहाँ पे एक बंदा ने डिक्लेयर कर दिया। तो देखते बाकी बंदा का कितना पॉइंट इंक्रीज कर पाता है। तो यहाँ पे देख सकते हो पहले राउंड में जिसका 0.8 इंक्रीज हुआ था, उस बंदा ने इस राउंड में भी डिक्लेयर कर दिया। और बाकी जो 2 बंदा यहाँ पे खेल रहे थे, तो उसमें से एक बंदा का पॉइंट 36 हो गया, और एक बंदा का पॉइंट 29 हो गया। तो चलिए फिर से नेक्स्ट राउंड की तरफ, मतलब थर्ड राउंड की तरफ। तो थर्ड राउंड में भी मुझे अच्छा कार नहीं मिला, लेकिन यहाँ पे 2 जोकर मिल गया। तो यहाँ पे क्या आपको खेलना चाहिए या नहीं, तो यहाँ पे अगर फर्स्ट टर्न में आपको ओपन डेक से फर्स्ट लेप मिल जाए, तो आप यहाँ पे खेल सकते हो। लेकिन अगर आपको नहीं मिल रहा है, तो आपको यहाँ पे नहीं खेलना है, क्योंकि यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक बार खेल लिया और लाख मेरा फेवर कर गया, और मैंने उस राउंड में भी डिक्लेयर कर दिया था, इसलिए मैंने इस राउंड में नहीं खेला। और यहाँ पे देख सकते हो
चार बंदे ने यहाँ पे ड्रॉप कर दिया और एक बंदा यहाँ पे जीत गया। तो चले नेक्स्ट राउंड की तरफ, मतलब यहाँ पे राउंड फोर की तरफ। तो राउंड फोर में देखते हैं मुझे कितना अच्छा कार्ड मिलता है कि नहीं। तो यहाँ पे देख सकते हो मुझे फर्स्ट लाइफ यहाँ पे मिल गया, तो इस राउंड में मैंने खेल लूँगा। तो उसके बाद यहाँ पे मैंने टेन को छोड़ देता हूँ। तो देखते हैं क्या इस राउंड में मैं डिक्लेयर कर पाता हूँ कि नहीं। तो इस राउंड में मुझे पहले यही कोशिश करना है कि मेरा जो पॉइंट है उसको 20 से नीचे ले आना। तो उसके लिए यहाँ पे एक जोकर की ज़रूरत है जिससे मैं और एक सीक्वेंस बना सकूँ और यहाँ पे पॉइंट को 20 से नीचे ले आ सकूँ। तो यहाँ पे देख सकते हो 10 आ गया, जो मेरा ज़रूरत का कार्ड नहीं था इसलिए मैंने 10 को नहीं लिया। तो यहाँ पे मैंने 8 को रख के यहाँ पे के को छोड़ दूंगा, क्योंकि यहाँ पे अगर एक ए आ गया तो ए ए ए एक सेट बना सकता हूँ, इसलिए मैंने के को छोड़ दिया। तो अभी 6 आ गया जो मेरा ज़रूरत का कारण है और 8 आ गया, तो अभी मैंने 7 को छोड़ दूंगा, क्योंकि यहाँ पे अगर एक ए आ गया तो यहाँ पे ए ए ए एक सेट बना सकता हूँ। लेकिन अभी तो मुझे ए को छोड़ना ही पड़ेगा क्योंकि इससे मेरा स्कोर बहुत नीचे आ जाएगी, तो इसलिए अभी मैंने ए को छोड़ दिया। तो अभी देखते हैं कौन कार्ड वो देता है। वो देख सकते हैं यहाँ पे फिर से ए दे दिया, लेकिन कोई बात नहीं, जे आ गया जो मेरा ज़रूरत का कार्ड था और फिर से 4 को छोड़ दिया। तो देखते हैं उसके बाद उसने क्या कार्ड देता है। अभी यहाँ पे मुझे एक कार की ज़रूरत है और अगर एक कार मिल गया तो यहाँ पे मैंने डिक्लेयर कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे उसने डिक्लेयर कर दिया और मेरा 11 पॉइंट इंक्रीज कर दिया। तो अभी मेरा पॉइंट 51 हो गया। कोई बात नहीं, देखते नेक्स्ट राउंड की तरफ। तो राउंड 5 की तरफ, तो यहाँ पे देख सकते हो राउंड 5 स्टार्ट हो गया और यहाँ पे राउंड 5 में मुझे यहाँ पे आप देख सकते हो कितना अच्छा कार मिल गया। तो यहाँ पे मैंने 2 या 3 टर्न में यहाँ पे डिक्लेयर कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैंने ए को ले लूँगा और ए के और एक जोकर देकर एक सीक्वेंस बना लिया और यहाँ पे 8 को छोड़ दूँगा, क्योंकि इस टाइप का 8 ऑलरेडी मेरे पास है। तो यहाँ पे मैंने के को क्यों नहीं छोड़ा, क्योंकि यहाँ पे अगर और एक के आ गया तो के एक सेट बना सकता हूँ और A3 और जोकर देकर सीक्वेंस बना के 8 के साथ यहाँ पे डिक्लेयर कर सकता हूँ। तो इसलिए मैंने यहाँ पे के को नहीं छोड़ा। तो देखते क्या मुझे एक के मिल जाता है कि नहीं। तो यहाँ पे देखते उस जो बंदा है उसने क्या कार्ड छोड़ता है। तो यहाँ पे देख सकते हो जे छोड़ दिया जो मेरा ज़रूरत का कार्ड नहीं है और यहाँ पे क्यू आ गया और क्यू यहाँ पे सीक्वेंस बना लिया और के एक सेट बना लिया और ए जोकर 3 देकर सीक्वेंस बना के डिक्लेयर कर दिया। तो देख सकते हो यहाँ पे जैसे ही सोचा था ऐसा ही हो गया। तो देखते यहाँ पे जो दो बंदा खेल रहे थे उसमें से किस बंदा का कितना पॉइंट इंक्रीज कर पाता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हो दो बंदा को यहाँ पे एलिमिनेट ही कर दिया मैंने। तो ऐसे ही थोड़ा बहुत आपको दिमाग लगा के खेलना है ताकि आप जल्दी से जल्दी डिक्लेयर कर पाओ। कोई बात नहीं, चलिए नेक्स्ट राउंड की तरफ। तो राउंड 6 में मुझे कार तो मिल गया, लेकिन यहाँ पे मुझे दो जोकर मिल गया, लेकिन यहाँ पे मुझे फर्स्ट लैब नहीं मिला। लेकिन यहाँ पे मैंने इस राउंड में खेल लूँगा, क्योंकि मुझे लग रहा है यहाँ पे जो बंदा का 95 पॉइंट हो गया है उसका कोई फर्स्ट लैब नहीं है, कोई अच्छा कार नहीं है, लेकिन फिर भी वो खेल रहा है क्योंकि उसे खेलना ही होगा, क्योंकि अभी उसके पास कोई ऑप्शन ही बचा नहीं है खेलने के अलावा। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है मैं यहाँ पे डिक्लेयर कर सकता हूँ, लेकिन इसी टाइप का कार में आप ना ही खेलो तो ही अच्छा है, क्योंकि इससे आपका पॉइंट बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो सकता है और गेम से आप एलिमिनेट भी हो सकते हो, क्योंकि आप पहले से देख रहे थे कि मेरा कितना ज़्यादा पॉइंट था, लेकिन अभी मैंने पॉइंट को डिक्रीज कर लिया। लेकिन अगर उसका अच्छा कार रहते थे और मैंने यहाँ पे खेल लेते थे और मेरा बहुत ज़्यादा पॉइंट उसने इंक्रीज करके मुझे गेम से बाहर कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे मुझे बाहर नहीं किया। कोई बात नहीं, तो यहाँ पे मैंने एक को छोड़ दिया और देखते क्या मैं डिक्लेयर कर पाता हूँ कि नहीं। तो यहाँ पे देख सकते हो उसने मेरे को फॉलो कर रहा है, क्योंकि मैंने ए छोड़ा और उसने फिर से मुझे ए छोड़ा, मतलब एक काफ़ी अच्छा गेम प्ले कर रहा है। लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ पे मुझे अभी एक कार की ज़रूरत है और अगर एक कार मिल गया तो यहाँ पे मैंने डिक्लेयर कर सकता हूँ और उसको एलिमिनेट भी कर सकता हूँ, क्योंकि उसका पॉइंट 95 हो गया और यहाँ पे मुझे जे मिल गया और यहाँ पे मैंने डिक्लेयर कर दिया और देखते हैं क्या उसको एलिमिनेट कर पाया है कि नहीं। तो यहाँ पे देख सकते हो मैंने उसको एलिमिनेट कर दिया, लेकिन यहाँ पे उसने रीएंट्री करेगी और यहाँ पे देख सकते हो उसने रीएंट्री कर दिया, फिर से 25 रुपीज़ देके यहाँ पे एंटर कर लिया। कोई बात नहीं, देखते नेक्स्ट राउंड की तरफ, राउंड 7 की तरफ। तो यहाँ पे देख सकते हो राउंड 7 स्टार्ट हो चुकी है और यहाँ पे मुझे अच्छा कार तो नहीं मिला, फिर से फर्स्ट लैब नहीं मिला और
यहाँ पे एक फास्ट लैप की ज़रूरत है, दो जोकर मिल गया, तो इस राउंड में मैंने नहीं खेलूँगा, क्योंकि इसके पहले जो राउंड हुआ था उस राउंड में मैंने खेला था और उस राउंड में भी मुझे फास्ट लैप नहीं मिला था, लेकिन मैंने खेला था, तो इस राउंड में मैंने नहीं खेल रहा हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हो इस राउंड में मेरे लेफ्ट साइड में जो बंदा है उसने भी डब कर दिया, और यहाँ पे देखते हैं इसकी अगली राउंड में क्या होता है। तो चलिए राउंड 8 की तरफ, तो राउंड 8 यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है और यहाँ पे देख सकते हो कितना अच्छा मुझे कार्ड मिल गया है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने डिक्लेयर कर सकता हूँ क्योंकि यहाँ पे मुझे बहुत अच्छा कार्ड मिल गया, तो यहाँ पे मैंने 9 को छोड़ देता हूँ, और इसी के साथ यहाँ पे देख सकते हो मेरा पॉइंट 37 हो गया। तो यहाँ पे अगर मैंने डिक्लेयर कर पाया तो यहाँ पे मैंने इस बंदा को एलिमिनेट भी कर सकता हूँ, तो यहाँ पे मैंने 9 को छोड़ रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे 8 जोकर है, तो 8 तो यहाँ पे आने का पॉसिबिलिटी बहुत कम हो जाता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे 9 को छोड़ दिया। तो यहाँ पे फिर से 10 को छोड़ रहा हूँ, तो देखते क्या कार मुझे मिलता है। तो यहाँ पे फिर से के आ गया, तो यहाँ पे अभी मैंने ए को छोड़ दूंगा क्योंकि के एक सेट बना लिया और यहाँ पे 2 जोकर 4 देकर एक सीक्वेंस भी बना लिया, और यहाँ पे 4 को उधर रख देते हैं, और जे दे दिया जो मेरा ज़रूरत का कारण नहीं, फिर से जे आ गया जो भी मेरा ज़रूरत का कारण नहीं है। देखते हैं क्या मैं यहाँ पे डिक्लेयर कर पाता हूँ कि नहीं, तो देखते हैं यहाँ पे कौन सी कार्ड उसने देता है। तो यहाँ पे देख सकते हो उसने बहुत ज़्यादा लेट कर रहा है, और यहाँ पे जिसका ज़रूरत था उस कार्ड यहाँ पे मिल गया मुझे, 2 3 4 यहाँ पे सीक्वेंस बना लिया, और यहाँ पे 2 7 और एक जोकर दे के यहाँ पे सेट भी बना सकता हूँ, और यहाँ पे मुझे सिर्फ एक कार की ज़रूरत है। अगर एक कार यहाँ पे मिल गया तो यहाँ पे मैंने डिक्लेयर कर सकता हूँ, और यहाँ पे देख सकते हो 3 मिल गया जो मेरा ज़रूरत का कार था और उसको ले लिया, उसी के साथ यहाँ पे डिक्लेयर कर देते हैं, और यहाँ पे देखते हैं क्या उसको एलिमिनेट कर पाया कि नहीं। और यहाँ पे देख सकते हो उसने एलिमिनेट नहीं हुआ, उसका 99 पॉइंट हो गया। कोई बात नहीं, चलते नेक्स्ट राउंड की तरफ और लास्ट राउंड की तरफ, तो राउंड 9। तो यहाँ पे देख सकते हो राउंड 9 स्टार्ट हो चुकी है और यहाँ पे मुझे 3 जोकर मिल गए, लेकिन यहाँ पे मुझे फास्ट लैप नहीं मिला। तो यहाँ पे मुझे क्या करना चाहिए, तो यहाँ पे मैंने खेल लूँगा क्योंकि मुझे लग रहा है यहाँ पे मैंने फास्ट लैप बना सकता हूँ, और यहाँ पे डिक्लेयर करके दोनों प्लेयर को एलिमिनेट करके जीत सकता हूँ। तो आप चाहो तो यहाँ पे ड्रॉप भी कर सकता हूँ क्योंकि यहाँ पे अभी मेरा 71 पॉइंट है, तो अगर मैंने यहाँ पे ड्रॉप भी कर दिया तो मेरा 91 पॉइंट होगा, तो मैं नेक्स्ट राउंड तक जा सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे मुझे लग रहा है यहाँ पे मैंने फर्स्ट लाइफ कर सकता हूँ, इसलिए मैंने खेल लिया। तो यहाँ पे 7 आ गया और यहाँ पे मैंने और एक 7 को छोड़ दिया क्योंकि उस टाइप का और एक 7 मेरे पास ऑलरेडी है, मतलब उस टाइप का 2 7 मेरे पास था, इसलिए मैंने एक 7 को छोड़ दिया। तो देखते क्या कार्ड मुझे मिलता है, तो यहाँ पे 9 आ गया जो मेरा ज़रूरत का कार्ड नहीं है, और यहाँ पे मैंने 8 को रख के 2 को यहाँ पे छोड़ता हूँ। यही है दिमाग की खेल, यहाँ पे मैंने 2 को क्यों छोड़ा, यहाँ पे 7 को मैंने छोड़ सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे मैंने 2 को इसलिए छोड़ा हूँ क्योंकि मेरे राइट साइड में जो बंदा है वो मुझे फॉलो करते हैं, तो वो ये छोड़ सकते हैं क्योंकि उसे लगता है कि ए का कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन मेरे को यहाँ पे ए का ज़रूरत है। और देख सकते हो यहाँ पे ए को छोड़ दिया और ए को लेकर यहाँ पे मैंने डिक्लेयर कर दिया, और देख सकते हो यहाँ पे एक बंदा ऑलरेडी एलिमिनेट हो चुके हैं, और मेरे लेफ्ट साइड में जो बंदा है वो भी एलिमिनेट हो चुके हैं, और यहाँ पे देख सकते हो मैंने गेम को जीत लिया। तो यहाँ पे मैंने 25 रुपीज़ जाके एंटर किया था और यहाँ पे 124.5 रुपीज़ यहाँ पे जीत लिया, तो लगभग यहाँ पे मेरा 100 रुपीज़ प्रॉफिट हो गया। तो आप भी ऐसे यहाँ पे जीत सकते हो थोड़ा बहुत दिमाग लगा के खेलोगे। तो आज की वीडियो इतना ही, अगर इस वीडियो से आपको थोड़ा भी मजा आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दो ताकि अगली ऐसी मज़ेदार वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।